दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रेस्टोरेशन एज इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं उसके अंदर डिटेल से मैं बता चुका हूं कि रेस्टोरेशन एज क्या थी और इसके अंदर क्या क्या हुआ था कौन से राइटर्स थे सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी चलिए मैं आपको बताता हूं कि रेस्टोरेशन एज कहां से शुरू होती है दोस्तों से 1660 तक के टाइम को इंग्लिश इंटरगनम बोला जाता है क्योंकि ये ग्यारह सालों का एक ऐसा टाइम था जब इंग्लैंड के पास में कोई भी राजा नहीं था इंटरग्नम का मतलब होता है इंटरवल या फिर पॉज बिटवीन टू पीरियड्स दो पीरियड्स के बीच में ग्यारह साल का एक छोटा सा गैप था ये और ऐसे टाइम पर देश में या तो पार्लियामेंट रूल करती है या फिर पार्लियामेंट के साथ में मिलिट्री रूल करती है अब ये ग्यारह साल कौन से थे जब 1649 की सर्दियों में जनवरी के महीने में चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गई चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया गर्दन काट के तब से लेकर 1660 तक 11 साल का ये टाइम था जिसको इंग्लिश इंटरग्नम कहा जाता है लेकिन अगर आपको लगता है ये पूरे 11 साल ऑलीवर क्रॉमवेल ने रूल किया था तो आप गलत हो क्योंकि 1649 से 1653 तक इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ था मतलब अभी तक ऑलीवर क्रॉमवेल के हाथ में सत्ता आई नहीं थी इन चार सालों में इंग्लैंड रिपब्लिक बन गया था दोस्तों बड़ी अजीब बात है ना इंग्लैंड जैसा देश रिपब्लिक बन गया था लेकिन फिर जैसे ही ऑलिवर क्रॉमवेल के हाथ में सत्ता आई उसने पाँच सालों के लिए राज किया था इंग्लैंड पर वो 1653 के बाद से इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया ये खास तौर पर उस टाइम पर एक पोस्ट बनाई गई थी लॉर्ड प्रोटेक्टर की इसके प्रोटेक्टर बनने से पहले रूल डायरेक्टली पार्लियामेंट करती थी पाँच साल तक ऑलिवर क्रॉमवेल ने राज किया लेकिन पाँच साल बाद में 1658 में इसकी डेथ हो गई जैसे इसकी डेथ हुई उसी साल हमारे जॉन बिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट पर काम करना शुरू कर दिया दोस्तों ये आप कनेक्शन बहुत अच्छा बना सकते हो कि ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई थी सिक्सटीन में और उसी साल बिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू कर दिया था और ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर एक जवान पॉइट जॉन ड्राइडन जो एक बड़ा राइटर बनने वाला था उसने क्रामवेल की डेथ पर हेरोइक स्टेंजा लिखे थे दोस्तों उस टाइम पर उसको ट्रिब्यूट करने के लिए कि एक बहुत अच्छा आदमी हमारे बीच में से चला गया और उसी वक्त मिल्टन ब्लाइंड भी हो रहे थे गरीब भी हो रहे थे गरीबी में डूबते जा रहे मिल्टन की वाइफ की भी डेथ हो गई थी और एक छोटी सी बच्ची थी उनके हाथ में पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन मिल्टन ने पाँच या छः साल काम करके तैयार किया था अपने ब्लाइंड ईयर्स में यानी 1658 से 1664 या 1663 के आसपास तक पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन लिखा गया था जिसके अंदर टेन बुक्स थी दस बुक्स थी और दोस्तों उस दौरान इंग्लैंड की हिस्ट्री में क्या हो रहा था ऑलिवर क्रॉमवेल तो मर गया लेकिन उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल उसकी जगह पर लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया 1658 में वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया लेकिन ये एक साल भी अपना पूरा राज चला नहीं पाया क्योंकि ये आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पार्लियामेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मई 1659 में इसने रिजाइन कर दिया इसने रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं नहीं संभाल सकता अब इंग्लैंड को तो ये जो 1659 से 1660 का एक छोटा सा टाइम था ना एक साल का इस दौरान इंग्लैंड में बड़ा बुरा हाल हो गया था केयोटिक माहौल केस फैल गया था चारों तरफ तो रंप पार्लियामेंट ने सोचा कि अब कोई और रास्ता नहीं है हमें चार्ल्स सेकेंड को इन्वाइट करना पड़ेगा कि आओ और आकर अपना राज संभालो तो जैसे ही चार्ल्स सेकेंड दोबारा लौट कर आया इंग्लैंड में तब इंग्लैंड में फिर से स्टूअ डायनेस्टी जो थोड़े टाइम के लिए रुक गई थी वो वापस रीस्टोर हुई इसलिए इस एज को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है अब चार्ल सेकेंड के वापस आते ही 1660 में ड्राइडन ने मौका देखकर एक पोएम लिखी जिसका नाम था एस्ट्रिया रेडक्स इस पोएम का नाम आपको ऐसे याद रहेगा कि एस्ट्रिया रेडक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम को ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमारे देश में जस्टिस वापस आ गया तो ये पोएम जॉन ड्राइडन ने लिखी थी चार्ल्स से माफी मांगने के लिए कि मैंने ओलिवर क्रॉमवेल के लिए अपनी वफ़ादारी दिखाई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो मैंने उस टाइम पर हेरोइक स्टेंजा उसके लिए लिखे थे तो ड्राइडन के इस चेंज को देखते हुए आने वाले टाइम के जो राइटर थे क्रिटिक थे सैम्यल जॉनसन उन्होंने लिखा था इफ़ ही चेंज्ड ही चेंज्ड विद द नेशन इफ ही चेंज चेंज्ड विद द नेशन सिद्धू की तरह थे थोड़े थोड़े जॉन ड्राइडन समय देखते हुए खुद को बदल लेते थे पार्टी देखते हुए खुद को बदल लेते थे लेकिन दोस्तों मिल्टन वैसे बिल्कुल भी नहीं थे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिख तो ली थी लेकिन पब्लिश करवाने में इनको प्रॉब्लम आने वाली थी क्योंकि अब चार्ल्स सेकंड राजा था और प्योरिटन टाइम तो था नहीं मिल्टन बूढ़े भी हो चुके थे बुढ़ापा भी आ गया था ब्लाइंड भी हो चुके थे एक बेटी की जिम्मेदारी भी थी उनके सर पर तो आखिर सिक्सटीन में मिल्टन को अपना पब्लिशर मिल गया जिसका नाम था सैम्यल सिमन्स दोस्तों सेम्युल सिमन्स इनके लिए कोई नया पब्लिशर था नहीं इसी पब्लिशिंग कंपनी में पहले भी मिल्टन ने काफ़ी सारे वर्क्स अपने पब्लिश करवाए थे और उस वक्त सैमुअल सिमंस का फादर इन वर्क्स को पब्लिश करता था मैथ्यू सिमन्स की डेथ के बाद में मैथ्यू सिमंस की बीवी मैरी सिमन्स इस पब्लिशिंग प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस को संभाल रही थी फिर सैमुअल सिमंस ने जब ये प्रेस संभाला तो मिल्टन की ये बुक पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवाया उस वक्त सिमंस को खुद भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो अपने बाप की पुरानी प्रिंटिंग प्रेस में किस एपिक को छापने जा रहा है दोस्तों तो आप सब जानते हो कि जब ये वर्क पब्लिश हुआ तो क्या हुआ था अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जिस वक्त मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवा रहे थे उस वक्त जॉन ड्राइडन क्या कर रहे थे तो दोस्तों स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि चापलूसी से हर जगह हर तरफ काम नहीं बनता इन्होंने एक द वाइल्ड गैलेंट नाम का एक प्ले लिखा था एक ड्रामा लिखा था जो कि फेल हो गया था इस प्ले के फेल होने के दो रीज़न थे पहला तो ये पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया ड्रामा था जो कि खास पसंद नहीं आया पब्लिक को ड्राइडन ने खुद इस प्ले के लिए बोला था ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ड्रामेटिक पोइट्री में जो कि फेल हो गया अब फेल होने का एक दूसरा सीधा सा कारण ये था कि पुराने प्लेस को थोड़ा थोड़ा उधार लेकर इस कंटेंट को तैयार किया था जैसे बैन जॉनसन का एवरी मैन इन ए ह्यूमर ठीक है तो इस प्ले के फर्स्ट एडिशन के प्रीफेस में ड्राइडन ने ख़ुद लिखा था कि इस प्ले का जो प्लॉट था वो ऑरिजनली मेरा खुद का नहीं है वेल well, अगर ड्राइडन नहीं भी बताते तो ऐसा तो नहीं था कि दुनिया को पता नहीं चलता ड्राइडन को सक्सेस मिली थी उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से दोस्तों कि कभी तो चलेगा कुछ तो चलेगा तो वो लिखते गए और पैराडाइज लॉस्ट के पब्लिश होने के दो साल पहले यानी 1665 में इन्होंने एक प्ले लिखा था द इंडियन एम्पर उससे इनको सक्सेस मिली थी मिल्टन की पैराडाइज लॉस से पहले ड्राइडन को सक्सेस मिल चुकी थी लेकिन ड्राइडन को बड़ी सक्सेस तब मिली थी, थी में इन्होंने अपना फेमस वर्क मैरिज एलॉमो पब्लिश करवाया था वो एक बड़ी हिट कॉमेडी थी उस टाइम की जो थिएटर्स में जिसने बवाल मचा दिया था दोस्तों फिर उसके तीन साल बाद में आती है विलियम वाइचरले की यानी 1675 में आती है द कंट्री मतलब जहाँ पर एक तरफ मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ कंट्री वाइफ भी पब्लिश हुई थी उसके कुछ सालों के बाद में यानी आठ एक साल के बाद में सात आठ साल के बाद में विलियम वाइचर ले फिर दो साल बाद में यानी 1677 में एफ्रा में ने अपने फेमस वर्क को लिखा द रोवर द रोवर जब पब्लिश हुआ दोस्तों रोवर की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये प्ले इंग्लैंड की फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर ने लिखा था जिससे काफ़ी सारी आने वाली फीमेल राइटर्स ने मतलब वो ली थी इंस्पिरेशन ली थी जैसे ही ये प्ले आया इसके अगले ही साल जॉन बनिन का पिलग्रम्स प्रोग्रेस भी आया दोस्तों और आपको ध्यान रखना है कि पिलग्रम्स प्रोग्रेस के चार साल बाद में यानी सिक्सटीन में ड्राइडन का ग्रेट वर्क मैक भी आ गया जैसे ही मैक आया उसके तीन ही साल बाद में यानी 1685 में चार्ल्स सेकंड की डेथ हो जाती है दोस्तों और चार्ल सेकेंड ने जो 25 साल तक अपने टाइम को एंजॉय किया इंग्लैंड के अंदर राज किया उसी टाइम पर इंग्लैंड के लिटरेचर पर कौन राज कर रहा था दोस्तों ड्राइडन कंसिस्टेंट रहकर उम्मीद करता हूं इस छोटी सी वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा फिलहाल आज की इस वीडियो में से इतना ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी आज की इस वीडियो में